नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। भारत में अभी कोरोना की दूसरी लहर चल ही रही है, जिसकी जो भयावह यादें हैं वो लोगों के जहन में अच्छे से उतर गई हैं, वो भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, कई लोग ने जान गंवा दी, परिवार उजड़ गया। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर के आने की अटकलें भी तेज़ हो गई हैं। जी हाँ, बता दें कि न्यूज़ एजेंसी रूटर्स ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में पोल किया था उन्होंने और पूछा था कि भारत में कोरोना की तीसरी वेव आखिर कब तक आएगी। तो इसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स जो थे, 70% हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि तीसरी वेव जो है वो अक्टूबर से सितंबर तक आ सकती है भारत में। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात है। और हालांकि वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि इस बार घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो है भारत में इस बार ये नियंत्रित अच्छे से किया जा सकता है। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी देश में तेज़ी से चल रही है, तो इस बीच लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी हो रही है और कोरोना की तीसरी वेव को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अक्टूबर में आने वाली है तीसरी वेव कोरोना की, जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकती है, बच्चों के लिए बताई जा रही है बहुत घातक। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आपको मिलती रहें। धन्यवाद।